सलकुम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स के सिलसिले में अभी तक हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया आज के सेशन में हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट मी हैव है रिव्यू ऑफ लास्ट टू सेशंस। इफ यू रिकॉल इन द लास्ट सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्ट डायमेंशन गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फेजेज साफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकल्स देन वी आल्सो डिस्कस्ड वट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी टाकड अबाउट प्रोजेक्ट सक्सेस वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तौर पर डिफाइन करते हैं और एक और अहम पॉइंट जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था जो कि किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड दैट इज द ट्रेड ऑफ ट्राई कोई भी प्रोजेक्ट हो वाय दैट इज ए स्मॉल प्रोजेक्ट और इट्स ए कम्प्लेक्स लार्ज मेगा प्रोजेक्ट चांस आर सक्सेस आर नेवर हंड्रेड परसेंट एंड थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड प्री स्केजुअल वे सो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू ट्रेड ऑफ बिटवीन सर्टन थिंग्स और जो बार बार हम दोहराते आए हैं ये ट्रेड ऑफ नॉर्मली किस में होता है तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टाइम कास्ट क्वालिटी और द स्पेसिफिकेशन और द कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो इस ट्रेड ऑफ के बारे में हमने डिस्कस किया आगे आने वाले सेशन में उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे बट वन एवर इन फ्यूचर वी टॉक अबाउट ट्रेड ऑफ्स तो आपके जहन में फ़ौर ये ख्याल आना चाहिए कि विच इम्पॉर्टेंट फैक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू कंसिडर फिर हमने ये भी बात की कि टेक्निकल फंडामेंटल्स क्या हैं चाहे वो प्रोजेक्ट किसी भी नौीय का हो एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नीड समेसिकन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल फंडामेंटल्स यह हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और आखिर में हमने कुछ डिस्कशन जो कि इनकम्प्लीट रह गई थी वो थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में थी टीम लीडर का रोल प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल हमने ब्रीफली डिस्कस किया था आज के सेशन में हम प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे टीम लीडर्स के बारे में जनरल डिस्कशन जो हमने लास्ट की थी उसको हम कंक्लूड करेंगे और इसके बाद फिर हम जो फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द ट्वेल्थ जो हमने इस पूरे कोर्स आउट टाइम में सबसे पहले सेशन में डिस्कस किया था इसको आज के सेशन में हम कंक्लूड कर लेंगे तो लेट्स प्रोसीड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंसेप्ट डेफिनेशंस रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लास्ट सेशन में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज के बारे में डिस्कस किया था आप कभी स्क्रीन पे नाइन बेसिक फंडामेंटल नॉलेज एरियाज वो नज़र आ रहे होंगे मैं ब्रीफली उनको एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ उसके बाद वन बाय वन इन बेसिक नाइन नॉलेज एरियाज को डिटेल से डिस्कस करेंगे पहला था प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इफ़ यू रिकॉल योर मेमोरीज हमने शुरू के सेशन में डिस्कस किया है कि अगर प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स हो लार्जर इन साइज हो डिफरेंट टीम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर नीडेड टू बी कम्प्लीटेड साइमटेनियसली डिफरेंट रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू फीड इन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट जब हम स्केजल डिफाइन करते हैं तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हम इन चीजों को भी देखते हैं कि विच ऑफ द रिसोर्स इज नीडेड वैन विच कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज सपोज टू बी कंप्लीटेड वैन वट काइंड ऑफ टेक्निकल टीम वट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स नीड्स टू बी इंप्लाइड

कोऑर्डिनेशन इज रिलेटिवली ए सिंपल टर्म इजी टू डू इट इंटीग्रेशन इज मोर कम्पलेक्स रिक्वायर्स बेसिक स्किल नॉलेज एक्सपर्टीज एंड द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर तो ये इंटीग्रेशन से एक्चुअली उन तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को इकट्ठा करना एक दूसरे के साथ रिलेट करना जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी अवेलेबलिटी को इंश्योर करके उसको फिट करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज नीड्स टू बी केयरफुली रिव्यूड मॉनिटर्ड तो ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज एरियाज में दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रोजेक्ट स्कोप कम्पलेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्ट रिलेट्स द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट बार दफ़ा प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसी सिचुएशन आ जाती है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इस चीज के बारे में क्लियर आइडिया लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वाट इज दोजेक्ट स्कोप प्रोजेक्ट स्कोप को जितना क्लियर डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट की ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्स अरेंजमेंट अभी हमने पहले बात की इंटीग्रेशन एंड ऑल अदर नेसेसरली रिक्वाड इनपुट्स विल बिकम क्लियर टू द प्रोजेक्ट मैनेजर टू आग्नाइज द थिंग्स अराउंड प्रोजेक्ट स्कोप का एम्बिगस होना प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में अनसर्टनिटी होना इट्स वेरी डेंजरस जब इसको किसी भी प्रोजेक्ट को क्लोज आउट स्टेज पर फाइनल करेंगे तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको जो ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ओके इफ वी आर गोइंग टू कम्पलीट द प्रोजेक्ट इफ वी आर गोइंग टू क्लोज आउट द प्रोजेक्ट हैव वी मेट द स्कोप इज एवरी थिंग इज अकॉर्डिंग टू द स्कोप तो ये क्लैरिटी जो है शुरू में बहुत जरूरी है और इसी स्कोप से रिलेटेड बाकी तमाम इंस्ट्रक्शन हैं जो डिफरेंट टीम लीडर्स को टीम कम्पोनेंट्स को बताई जाती हैं तो स्कोप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स नॉट जस्ट अ डेफिनेशन इट इज एज अ मैटर ऑफ एक्ट अ वेरी कोर एरिया ऑफ एनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी बाजे ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किया प्रोजेक्ट में डिफरेंट चीज़ें एड होती चली गई और ऑल ऑफ ए सडन एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो ओरिजिनल स्कोप जिसको हम कहते हैं तो औरिजनल गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट गोल्स आप जानते हैं हमने पहले यह डिस्कस किया है औरिजनल गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स में कुछ नए फीचर इन द नेम ऑफ एक्सपेंशन इन्हेंसमेंट और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ चीज़ें ऐड कर देते थी तो वो स्कोप को जो है क्लियर होना बहुत ज़रूरी हो है ताकि ये तमाम चीज़ें जो इनपुट्स हैं वेरिएशन हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्वालिटी को इफेक्ट ना करें टाइम टाइम तो है ही बड़ा इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि यू हैव टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट विद अ डेफिनेट डेट एंड एज ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर यू मस्ट कंसनट्रेट ऑन

In fact, it's a human resource factor which will make project complete. It's a human resource factor which will ensure that quality has been uh, taken care of. It's a human factor which will try to complete the things well in time. A see this human factor may project manager, team leader, professionals, logistical support person, technical support person, and even. नॉन प्रोजेक्ट रिलेटेड पर्सनल वो भी इसमें जो है ना आ जाते हैं इंडायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल द पर्सन यू आर रिपोर्टिंग टू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आज हम थोड़ी तो देर के बाद इसको डिस्कस करेंगे जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल डिफाइन करेंगे रिपोर्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज वन ऑफ द रेगुलर फीचर ऑफ एनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी ये रिपोर्टिंग सिंपल ये हो सकती है कि यू कैन सेंड एन ई मेल टू द कंसर्न पर्सन दैट कोड बी अ पर्सन और दैट कोड बी अ टीम और दैट कोड बी अ कमेटी दूसरी रिपोर्टिंग में एक यू आर सबमिटिंग पाइल्स ऑफ पेपर्स उनको सबको असम्बल करते हैं नाउ यू आर गिविंग प्रजेंटेशन टू दीपल विच पीपल दोज हु मैटर्स हु आर इम्पोर्टेंट टू Implement or accept all these project uh, products which you are going to prepare. So human resource mein unke coordination or ensure that re reporting plan, ki hai, the key people are available to get overview of the project progress report. Communication: If you don't tell the others what has to be done, it will be very difficult and awkward situation. In my 15 to 20 years career. आई हैव कम क्रासू न्यू मेरे वे आर वन कॉमन सेंटेंस वोकन ऑल द टाइम जब डिस्कशन हो रही होती है किसी प्रोजेक्ट एक्टिविटी के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया परफॉर्मेंस के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया और एनी इशू हैजन ऑप बड़ा सिंपल सा से एक सेंटेंस आ जाता है अच्छा आई थॉट यू नो इट मेरा ख्याल है आपको तो भी पता होना चाहिए ये प्रोजेक्ट मैनेजर या लीडर जूनियर को कह रहा है जूनियर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर या लीडर्स को कन्वे कर रहा है कि मैंने तो ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी हालांकि इन राइटिंग इन ए सस्टमेटिक वे ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिज़ाइन अ सिस्टम What communication system is best suited? So that all the project related information, not only the information, as a matter of fact, instructions or any other new outcomes which you feel are important to be known to the concerned people, must be passed on to passed on to the right person in a timely fashion. In Tamam Chizuko, communication ke factors, mein dekha jayega, risk. In most of the projects, when we talk about the trade-offs. When we talk about things went wrong, not necessarily wrong, the things, uh, a different uh, scenario has been developed. Those different scenarios which have been developed were not invested before. a situation arises, unfortunately, to handle that situation, you have to Readjustment re within the resources, readjustment as per your methodology readjustment as per other inputs contribution to the project activity in that case some risk factor are involved those risk factor could be minor in nature or very complex as a project manager you must concentrate and be aware of the fact that you should not take the risk which is not controllable so project management knowledge areas ka ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको अभी हम थोड़ी देर के बाद मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे आखिरी पॉइंट दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सिस जिसको जनरली हम प्रोक्योरमेंट के हेडिंग में जो है डिस्कस करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी नेचर का प्रोजेक्ट हो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द इनपुट्स उन इनपुट्स में इक्विपमेंट हो सकता है उन इक्विपमेंट में बिल्डिंग ऑफ द टीम हायरिंग ऑफ द टीम है Some logistics support is required, some tools, some other important knowledge based concepts, theories, or as a matter of fact, you might be required to engage or hire external services from other parties. So, in Tamam ko, as under procurement, as a project manager aapko. Concentrate karna hai, all these things are made available timely and as per specification. Specification important is sense. You should get that kind of human resource or equipment, which is as per need of the project activity. It should not be under spec it should not be underutilized, it should not be overspec, it should not be द काइंड ऑफ थिंग्स विच में नॉट बी रिक्वायर्ड नाव तो ये सारी चीज़ें प्रिक्वामेंट में आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसको इसका जो है ना ध्यान रखना होगा तो so, ये जो पाँच नाइन नाइन नॉलेज एरियाज हमने बताए हैं ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट में ये नाइन नॉलेज एरियाज जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इसेंशल हैं दीज आर द काम थिंग्स देर कोड बी आ प्रोजेक्ट वेयर सम ऑफ द फैक्टर विच वी डिस्कस नाव नॉट बी रिक्वायर्ड बट देर क्ड बी सम न्यू एडिशनल फैक्टर्स विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्कस टू तो प्रोजेक्ट की और प्रोग्राम एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जब आप कोई स्मॉल प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं समॉल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मोर आर लेस इनपुट की अवेलेबिलिटी रेलिटिवलीजी टास्क होता है उसमें बट इफ़ यू आर ए प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर ए मेगा और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैन द प्रोविजन ऑफ ऑल दिज इनपुट बिकम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हार्ड जॉब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर तो इन नॉलेज एरियाज को अब हम डिटेल से वन बाई वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले हमने जिक्र किया था प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन का लेट्स सी के प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हमें किन चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना है फर्स्ट वन इज डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर चार्टर का लफ्स डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल होता है यहाँ पे हम चार्टर से मुराद ये ले रहे हैं कि वट आवर प्रोजेक्ट यू हैव बीन गिवन टू इम्प्लीमेंट वट इज़ द चार्टर यू आर गिवन वाट आर द डूमेंस यू हैव टू वर्क विद इन वाई दिस प्रोजेक्ट इज बीग इम्प्लीमेंटेड एंड हु विल बी दिनिफिशरी ऑफ दिस प्रोजेक्ट ये तमाम चीज़ों का जिक्र प्रोजेक्ट चार्टर में पहले से जो ने डिफाइन किया होता है तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट बी अवेयर ऑफ दैट चार्टर वट इज द प्रोजेक्ट चार्टर इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट बिट्स एंड पीसिस को आपने जब कंबाइन करना होगा उनको री करना होगा और यू मेड बी रिक्वायर टू विदड्रॉ और एलिमेंट तो प्रोजेक्ट चार्टर आपके जहन में होना चाहिए सो दैट इट शुड नॉट डेविएट फ्रॉम दैट Concept. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोजेक्ट स्कोप देखिए प्रोजेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट होंगे प्रोजेक्ट माइट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ द एक्टिविटीज एंड एलिमेंट्स बाई प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट ऑल दिस तो उसका स्कोप पहले डिफाइन किया जाए आई एम श्योर इन योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स यू हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सरसाइज ये कोर्स जो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं जो अब हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इसशली द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थियोरी नॉलेज यू हैव लर्न फ्राम यूर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स एंड सम अदर रिलेटेड कोर्सेज अराउंड तो मैं उसकी ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाह रहा बट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आई वॉन्ट यू टू मेक कॉन्शियस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ चंद एक्टिविटीज को चंद प्रोग्राम्स को रूटीनस को लिख के डिस्प्ले करके रिजल्ट को जनरेट करके कम्प्लीट नहीं होता वट अवर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यू मस्ट एडहेयर टू द स्कोप यू मस्ट बी वेरी मच रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट चार्टर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा जब आप प्रेजेंटेशन देंगे व्हेन यू आर टेलिंग टू योर क्लाइंट ओके दिस इज़ अ प्रोडक्ट आई हैव डेवलप्ड फॉर यू तो वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की जो डोमेन एरियाज हैं आप उसके रेफरेंस से उसको एक्सप्लेन करेंगे इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस थिंग्स और इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू दिस थिंग्स तो फिर जो एंड प्रोडक्ट है तो उसमें देर कोड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम अंडर स्पेसिफिकेशन और द ओवर स्पेसिफिकेशन ओवर स्पेसिफिकेशन या किसी चीज़ को बहुत बेहतर अंदाज में पेश करना समटाइम्स बिकम डिसएडवाटेज ये हमेशा याद रखें यू हैव टू बी विद इन द स्कोप यू हैव टू डेवलप दिंग यू हैव टू इंश्योर दिंग्स आर बींग डेवलप्ड एज पर द गि स्पेसिफिकेशन ये तो स्टैंडर्ड के रूल ऑफ बिजनेस है अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन को उसकी स्पेसीफिकेशन को एक आइडियल लेवल पे या एक हाई टेक वैल्यू लेवल पे लेके जाना चाहेंगे इट विल रिक्वायर रिसोर्सोर्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सम अदर थिंग में बी रिक्वायर्ड अराउंड तो ओवर स्पेसिफिकेशन कास्ट एक्स्ट्रा सो बी केयरफुल एंड ट्राई टू अवॉयड इट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू इज दैट यू हैव टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज बींग डेवलप्ड एज पर द चार्टर ज पर द स्कोप इसलिए आपको स्कोप के बारे में उसको डिफाइन करना इलस्ट्रेट करना और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं टीम मेम्बर्स हैं उनको एक्सप्लन करना कि आपने इस स्कोप के मुताबिक इस एक्टिविटी को करना है थर्ड इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जब आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं वैन यू इंडक्ट द टीम वैन यू हैव ऑल अदर इनपुट्स प्रोवाइडेड टू द प्रोजेक्ट बिफोर प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग्स मेक श्योर यू हैव अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ह्यूमन फैक्टर को कैसे मैनेज करना है इक्विपमेंट को कब प्रोक्योर करना है कब इंस्टॉल करना है कब प्रोवाइड करना है दूसरे नॉलेज बेस्ड एरियाज उनकी अवेलेबिलिटी किस तरह इंश्योर करनी है और ये कैसे इंश्योर करना है कि वट एवर टूर्स प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड बाई द टीम दीज आर दम्स विच आर रियली डिमांडेड दीज आर दन विच आर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड और अगर आपने एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को यूज़ करना है उसकी इंटीग्रेशन से पहले इंश्योर करना है कि उसका कंपेडेबिलिटी फैक्टर जो है दैट इज पॉजिटिव तो ये तमाम चीज़ों को आपने मैनेजमेंट प्लान में वैन वाट एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी अरेंज ऑर्गनाइज्ड एंड पोटेंट टू यूज ये मैनेजमेंट प्लान का एक हिस्सा होता है देन कम्स द एग्जीक्यूशन डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज पहला जो अभी हमने डिस्कस किया है डेवेलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान दैट इज ए प्लान विच नीड्स टू बी प्रपेयर बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड दिस इज द प्लान विच एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू मस्ट इंश्योर दैट ऑल दिज इंस्ट्रक्शंस ऑल दिज डिटेल एक्टिविटीज ऑल द गाइड लाइन्स विच आर रिक्वायर्ड हैव बीन पासड ऑन टू द रेलिवेंट पीपल एंड एट द रेलीवेंट प्लेस इन ए टाइमली फैशन तो जब ये तमाम चीजें इनपुट आपने प्रोवाइड कर दी अब आपके पास एक और प्लान होना चाहिए ये देखने के लिए कि जो आपने प्लान किया था प्लान इन टर्म्स ऑफ वट प्लान इन टर्म्स ऑफ मनी प्लान इन टर्म्स ऑफ Time and to ensure that things are being developed as per the required specification, you have opti directions in. You are directing the people, you are directing all other the resources for best utilization. Execution plan, micro level details, each stage pay as a project manager of ensure Karna. It is not necessary that you prepare these details, but it's mandatory for you. दैट यू मस्ट हैव दिस डिटेल आपका टीम लीडर टीम लीडर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू द माइक्रो लेवल डिटेल्स हाउ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज विल बी प्रपेयर एंड कंडक्टेड इन तमाम चीजों को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो उनको सीक्वेंस में लॉजिकल सीक्वेंस में और एज पर टाइम फ्रेम रिक्वायरमेंट उनको फिट इन करेंगे और ये इंश्योर करते चले जाएंगे कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कौन सा फैक्टर है कौन सा इवेंट है जो टाइम लैग कर रहा है विच इज़ द फैक्टर विच इज एक्सीडिंग द कास्ट और विच इज़ द फैक्टर विच इज डिस्टर्बिंग द स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड अराउंड तो दीज आर द थिंग्स विच आर डन एज अ डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग कोई भी एक्टिविटी है अगर उसको मॉनिटर ना किया देन एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क हु नोज वेन प्रोडक्ट कम्स फॉर द फाइनल प्रजेंटेशन सम ऑफ द फीचर्स और द टाइम फैक्ट और द स्कैजल और फाइनेंस दे माइट हैव ओवर रन आर दे माइट हैव है फ्राम द गिवन लिमिट तो मॉनिटरिंग सिस्टम इवॉल्व करना एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत जरूरी है मॉनिटरिंग सिस्टम विल वेरी फ्राम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी टू कम्पलेक्सिटी वट एवर द केस में बी देर शुड बी आ गुड मॉनिटरिंग सिस्टम सो दैट यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कैन इंश्योर दैट थिंग्स आर गोइंग एज पर स्केजल एज पर प्रोग्राम एंड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड समल्सो हैपन्स दैट सम चेंज इज मैंडेटरी टू मेक इन टू दैट एंड देख चेंजेस प्लस माइनज सम फैक्टर्स इन अदर फैक्टर्स आउट इन तमाम चीजों को टेस्ट करके वेरीफाई करके रिकमेंड करना और प्रोजेक्ट की स्केडुल में फिट इन करना भी एक प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का हिस्सा है और लास्टली एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वैदर इट्स ए स्मॉल एक्टिविटी वैदर इट्स सबसेट बाई प्रोडक्ट आर द फाइनल प्रोडक्ट उस प्रोजेक्ट एक्टिविटी को क्लोज आउट करना सो दैट दिस एक्टिविटी और दिस प्रोजेक्ट हैज़ टू बी फॉर्मली क्लोज डाउन ऑल द रिसोर्स मस्ट बी डिसंगेज एंड दिंग्स मस्ट बी पास ऑन टू द कस्टमर आर द कंज्यूमर एज पर प्लैंड एक्टिविटी तो ये था वो पहला फैक्टर जिसको हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटिग्रेशन के रेफरेंस से जो है डिस्कस किया सेकेंड नॉलेज एरियाज में जो कन्सेप्ट है दैट इज़ प्रोजेक्ट स्कोप इंटीग्रेशन के बाद वो तमाम चीज़ें जो इंटीग्रेशन के रेफरेंस से रिक्वायर्ड होंगी उसमें से एक फैक्टर स्कोप का भी है स्कोप में क्या चीज़ आती है कि जो प्रोजेक्ट स्कोप है उसको पहले प्लान कर लें उसको स्कोप को डिफाइन कर लें और जो आपने एक्टिविटी जनरेट करनी है उस एक्टिविटी को वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर वो डिफ़ाइन कर लें क्रिएट कर लें आपने डिफरेंट कोर्सेज के दौरान में जब कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोग्राम डेवलप किया हो उसमें वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल एग्जाम प्रैक्टिकल आपने यकीनन किया होगा तो ये वही कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एज पर द स्कोप आप ये देखें कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से लॉजिकल सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं विच नीड्स टू बी सेग्रीगेटेड दैन पुट इन सिक्वेंस एंड देन पास ऑन दीज थिंग्स टू द रेलिवेंट टीम टीम्स टू इम्प्लीमेंट द एक्टिविटी अकॉर्डिंगली जितना डब्ल्यू बी एस को आप क्लियर करेंगे डिफाइन करेंगे उतना ही ईजी आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना होगा और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जितना अच्छा डब्ल्यू सिस्टम डेवलप होगा डेवलपर के लिए टीम लीडर के लिए उतना ही टेक्निकली फीजबल होगा और ईजी होगा उस प्रोग्राम या प्रोजेक्ट या एक्टिविटी को या प्रोडक्ट को तैयार करना तो डब्ल्यू की अपनी एक अहमियत है और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट गिव्स यू अ टूल इट गिव्स यू अ टूल टू सेट द माइल स्टोन ये माइल स्टोन है जो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के रेफरेंस से आप डेवलप करते हैं और अभी हमने पहले जिक्र किया था मॉनिटरिंग का मॉनिटरिंग का एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब आप मुख्त चीज़ों के लिए कुछ एक स्केजल तैयार कर लेते हैं सम बॉडी हैज़ टू कम एंड चेक वट हैज डन एज पर द स्कीजुल ये स्केजल डब्ल्यू बी एस ए से रिलेटेड है लिंक्ड है और स्कोप वेरिफिकेशन मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच इम्पॉर्टेंट की पर्सन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर दैट दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द प्रोजेक्ट स्कोप एंड इफ रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट स्कोप वेरिफिकेशन ईड्स टू बी डन गेट द क्लैरिफिकेशन मेक श्योर दैट दिस इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज़ गिवन टू योर टीम और विच इज़ गिवन टू यू टू इम्प्लीमेंट इट अराउंड और लास्टली जो प्रोजेक्ट स्कोप है उसके पैरामीटर्स को कंट्रोल करना ये मैकेजम सिस्टम इवाल्व करना होगा प्रोजेक्ट मैनेजर को तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के बारे में हमने ब्रीफ एक, एक डिस्कशन की अब हम आते हैं थर्ड एरिया ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट इज प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट या टाइम के बारे में या स्केजल के बारे में बार बार हम जिक्र करते चले आए हैं इनफैक्ट जब हमने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन प्रोजेक्ट को डिफाइन किया था व्हाट इज़ ए प्रोजेक्ट तो हमने कहा था कि इट्स ए टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन इट्स ए टम्परेरी इन नेचर इसका ताल्लुक इसी टाइम मैनेजमेंट के साथ है प्रोजेक्ट की एक स्टार्ट डेट है एक एंड डेट है आपको तमाम एक्टिविटीज़ को उस गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है एज ए मैटर फैक्ट जब डब्ल्यू तैयार किया जाता है तो डब्ल्यू के साथ साथ टाइम फैक्टर को भी रिलेट किया जाता है विच एक्टिविटी इज गोइंग टू बी कम्पलीटेड इन हाउ मच टाइम तो ये जो एक्टिविटीज डेफिनेशन है ये टाइम मैनेजमेंट के रेफरेंस से एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू कंसनट्रेट ऑन एज ए स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजर यू शुड बी एबल टू डिटर्मन द टाइम एसोसिएटेड फॉर वन एक्टिविटी इज एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो ये अब आपकी स्किल है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है प्रोजेक्ट की और ये उस एक्टिविटी के बारे में आपका नॉलेज है विच हेल्प्स यू टू एसोसिएट एलोकेट अ टाइम और हमेशा याद रखें कि टाइम आपके पास टाइम इज अ रेयर कमोडिटी फॉर यू सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव वेरी केयरफुल अबाउट द टाइम फैक्टर और यहीं पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में टाइम स्केल प्लेज अ वेरी क्रुशल रोल इफ यू डेवलप अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इट्स एक्सीलेंट नेचर इट्स मोर कंड टू द इन्वायरमेंट अराउंड लेकिन आपको इसके साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि आपके कंपिटेटर्स आर एनी थर्ड पार्टी इफ दे ब्रिंग द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बिफोर यू ब्रिंग इन टू द मार्केट आर यू प्रिजेंट टू यूर सीनियर्स और सुपीरियर तो उसकी यूटिलिटी जो ना कम हो जाती है टेक्नोलॉजी कीप ऑन चेंजिंग रैपिडली एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन द टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग रैपिडली तो ऐसा ना हो कि दैट गुड प्रोडक्ट विच यू हैव प्रिपेयर्ड आर क्रिएटेड आर डेवलप्ड वैन यू प्रेजेंट द टाइम इज ऑलरेडी गॉन तो इसलिए टाइम के बारे में तो ट्रेड ऑफ करना टाइम के बारे में किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करना एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपके लिए बहुत रिस्की होगा टस वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड लुक कैन टू द एक्टिविटी डेफिनेशन सो दैट यू कैन एलोकेट दाइम रिसोर्सिस देन कम द एक्टिविटी सिक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग मीन्स विच एक्टिविटी शूड फॉलो विच एक्टिविटी इज ए प्री रिक्वेजेट ऑफ वन फैक्टर इन तमाम चीजों को जब आपने डब्ल्यू बी एस तैयार कर लिया उससे पहले जब आपने प्रोसेस इंजीनियरिंग में कुछ चीज़ों को डिफाइन किया था तो so, यहां पे इसकी सीक्वेंसिंग आपको देखनी होगी सो दैट द नेसेसरी इनपुट कैन बी मेड अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी पहले तो एक टाइम एलोकेशन हो गई सेकेंड इज द सीक्वेंसिंग वेन द रिसोर्सिस आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी देन कम द रिसोर्स एस्टिमेशन एज ए गुड प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ एस्टिमेटिंग

हमने जब पहले जिक्र किया था कि मॉनिटरिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए तो यहाँ पे ये जो आपने टाइम स्केजुअल तैयार कर लिया तो मॉनिटरिंग का इस टाइम स्कीजूअल के मुताबिक एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और इसी के अगेंस्ट यार्ड स्टिक होती हैं माइल होते हैं जो आप अपने स्कोप में जो है डिफ़ाइन करते हैं तो ये प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको इन एटलीस्ट इन फैक्टर्स के बारे में जो है ना खास तौर पर ध्यान देना होगा अब हम आते हैं उस इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ जिसकी सीनियर मैनेजमेंट हमेशा केयर करती है और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको भी उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए एंड दैट इज कास्ट कास्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट स्नैरियोज हो सकते हैं देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी वेयर यू हैव बीन आज To Estimate the cost to produce a particular service or a product. So, if you have, this situation, then you have to estimate what resources are required to complete or prepare or develop that product. And then, as per the estimations, you prepare the budget and then you control the budget. Second scenario could be. आपको गिवन कास्ट जो है ना दे दी गई है कि दिस इज द कास्ट विद इन दैट कास्ट यू हैव टू डेवलप दैट प्रोडक्ट और द सर्विस और द यूटिलिटी तो द फर्स्ट थिंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू मस्ट लुक इन टू दैट इज एस्टिमेट द कास्टिंग जस्ट चेक कि जो बजट दिया गया है उसमें जो कास्ट एस्टिमेट हैं और एज पर योर जजमेंट एज पर योर नॉलेज जो एक्चुअल कास्ट स्पिंकर होगी क्या वो मैनेजेबल है या उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो दिस एस्टिमेशन वैदर यू आर गिवन टू प्रपेयर अ बजट और यू हैव बीन आस्ट प्री डिफाइंड बजट टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट आपको हर दो सूरत में इसको चेक करना है जस्ट एस्टिमेट वट इज गोइंग टू कास्ट इस कास्ट में क्या शामिल हो जाएगा ऑल द रिसोर्सेज विच आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट एक्टिविटी उनकी क्वांटिटी, उनका रेट उनकी अवेलेबिलिटी इसको आप री करें एंड इफ यू थिंक द प्री डिफाइंड बजट इज मैनेजेबल एंड यू कैन प्रोड्यूस द थिंग्स अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगलीन गो हैड एंड गुड लक इफ नॉट देन जो आपके एस्टिमेट्स हैं बिफोर यू स्टार्ट द एक्टिविटी लेट द कंसर्न पीपल आर अथॉरिटी नो दैट द बजट गिवन टू कम्प्लीट दैट एक्टिविटी इज नॉट सफिशेंट इनफ सो दैट अनेसेसरी अरेंजमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंगली एंड इफ द बजट इज मैनेजेबल विद इन द लिमिट देन यू मस्ट हैव अकेनिज्म टू कंट्रोल द थिंग्स अराउंड तो कास्ट मैनेजमेंट किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अब हम आते हैं एक और इम्पॉटेंट फैक्टर पे, एज ए मैटर फेट जो हमने नाइन नॉलेज एरियाज बताए हैं दीज आर ऑल कोर दीज आर आल इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कौन कौन सा फैक्टर लेस इम्पॉर्टेंट है बट द बॉटम लाइन इज एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू मस्ट कंसनट्रेट ऑन ऑल दीज नाइन बेसिक नॉलेज एरियाज विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ और जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन द कम्पलेक्सिटी नॉलेज एरियाज में कुछ फैक्टर आउट भी हो सकते हैं और नए फैक्टर इसमें ऐड भी हो सकते हैं बट जनरली स्पीकिंग आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन तमाम एरियाज के बारे में मुकम्मल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग दैन यू कैन बेटर कंट्रोल एंड मैनेज द प्रोजेक्ट अराउंड क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या चीजें आएंगी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की हम बात तो करते हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर द डिफिकल्ट पार्ट फॉर फॉर यू इज वट स्टैंडर्ड टू बी एडेप्टेड विच स्टैंडर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड हाउ दिस स्टैंडर्ड इज गोइंग टू बी कम्पेयर्ड जी अब आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में जो है चेक करना है यू हैव टू प्लान हाउ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी गेज्ड अगेंस्ट वट माइल स्टोन यू आर गोइंग टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट यू कैन सेव वी आर विद इन द स्कोप एंड वी आर मीटिंग द मिनिम स्टैंडर्ड अराउंड तो एज ए स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को आपको ध्यान से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको खासतौर पर ध्यान देना होगा देन कम्स द क्वालिटी इंश्योरेंस एक चीज होती है क्वालिटी स्टैंडर्ड दो स्टैंडर्ड आर बाय इन लार्ज आर प्रवेलिंग इन द मार्केट आर इन दिद इन दैट प्रोजेक्ट एक्टिविटी एरिया उन स्टैंडर्ड्स को कम्प्लाई कराना वह है क्वालिटी एश्योरेंस एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर पहले तो आपको ये डिटर्मन करना है कि विच क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर गोइंग टू अप्लाई एंड सेकेंड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इंश्योर करना है कि दीज स्टैंडर्ड आर बींग मेड ड्यूरिंग द डिजाइन पार्ट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट अराउंड टेस्टिंग फेज में इन स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना कि दीज स्टैंडर्ड्स आर मैप्ड सो दैट द आउटपुट यू हैव क्रिएटेड आर डेवलप्ड इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स तो ये क्वालिटी इंश्योरेंस में आ जाएगा क्यों हाउ यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट एंड लास्टली कंट्रोल ये हर जगह हम इस वर्ड को यूज करते चले आ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुनियादी तौर पर है ही फंक्शन कंट्रोल का गाइडेंस का चेकिंग का तो इन कंट्रोल्स को आपने डिफाइन करना है और ये कंट्रोल वेरी करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एक्टिविटी इन कंट्रोल्स को आपने डिफाइन करना है और कंट्रोल वो होंगे जो मैनेजेबल हों दे शुड नाट वी द इंस्ट्रक्शन विच कैन नाट भी इम्पलीमेंटेड अराउंड आपको कंट्रोलिंग मेजर्स वो लेनी है जिनके बारे में यू आर श्योर दैट प्रैक्टिकली इट्स पॉसिबल एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर टू हैव अ कंट्रोल ओवर दिंग्स आर द टेस्ट दिंग्स आर बिंग डन एज पर द प्रीडिफाइंड कंट्रोल मयर्स नेक्स्ट अब हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये तो हमने पहले भी जिक्र किया है कि जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैं उनमें ह्यूमन फैक्टर इज ए क्रिटिकल जितनी अच्छी प्रोजेक्ट डिवेलपमेंट डिजाइनिंग इम्पलीमेंटिंग टेस्टिंग टीम होगी उतना ही चांस है कि योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटेड एज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लेट्स ये ह्यूमन फैक्टर में हम क्या चीज़ें देखेंगे पहला तो लाइक ऑल अदर एक्टिविटी यू हैव टू प्लान ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आपको टीम टीम लीडर चाहिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आपको प्रोफेशनल चाहिए स्किल सेट पीपल चाहिए देन यू नीड सम सपोर्ट स्टाफ देन यू नीड द सर्विसज फ्राम आउटसाइड द आर्गनाइजेशन तो ये तमाम चीज़ें पहले आप प्लान करेंगे what kind of skill set is required to complete that activity the better you understand the project the more you are clear about the scope and charter of the project you it will be easy for you to develop a suitable and right team for implementation of this project on paper plan okay these are the people this is the skill set we need to implement the project the next important step comes acquiring these people when you start hiring these people then you you have to come across with different scenarios you want mr a but mr a demands the salary or the terms of reference and the Demand from Mr. A is beyond the limit of your project budget. What to do? Now, when you plan current resources, you have alternate planning. Bhi yahan pe hai. Human factor is uh, unreliable in that sense. If you plan that all these professionally skilled people are needed for the project, it is not necessary that you get all those. तो एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से आपको एक आल्टरनेट प्लानिंग भी रखनी है एंड सम टाइम इवन द पर्सन इज अवेलेबल द टाइम फैक्टर डज नॉट परमिट दैट स्किल स्किलीम और द इंडिविजुअल इज अवेलेबल वेन यू हैव प्लान फॉर दैट एक्टिविटी तो टाइम स्कैजल में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो प्रोजेक्ट टीम दैन मोबालाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टीम जो है ये एक कंसर्न होना चाहिए आपका एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू मस्ट बी वेरी एडवांस इन दैट एरिया सम टाइम्स इट है इक्विपमेंट इज delivered after some time. इस दौरान में प्रोजेक्ट टीम को सबसे पहले ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी होता है और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको डिसाइड करना है कि डू यू वांट द इंटायर टीम टू बी ऑन बोर्ड राइट फ्रॉम डे वन और यू वांट सम क्रिटिकल पर्सन टू बी ऑन बोर्ड सो दैट ग्रेजुअली यू कीप ऑन इंडक्टिंग द पीपल इसका ताल्लुक आपके बजटिंग के साथ है इसका ताल्लुक है आपके प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट के साथ है तो जब हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग दैट मीन्स यू हैव टू प्लान वट पीपल यू आर लुकिंग फॉर हाउ मैनी पीपल यू आर लुकिंग फॉर एंड वैन दिस पीपल शुड बी ऑन बोर्ड टू स्टार्ट द एक्टिविटीज और अक्सर ऐसा भी होता है कि यू ब्रिंग सम ऑफ द पीपल मिड लेवल पे कुछ लोग होते हैं दे दो दोस्त पीपल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बट दे नीड सम ट्रेनिंग तो आपको जब टीम को एक्वायर कर लेते हैं देन यू डेवलप दैट टीम इनटू अ प्रोडक्टिव यूनिट ऑल दो पीपल हु ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ट्रेनिंग और दे नीड सम गाइडेंस और दे नीड सम डायरेक्शंस। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आप इन चीज़ों को इंकारपोरेट करें डोंट जस्ट एज्यूम दैट एनी हु इज बींग टेकन ऑन द टीम ही आर शी विल स्टार्ट फ्रॉम डे वन अराउंड आपके एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है ह्यूमन फैक्टर में आपने कैपेबिलिटी तो आइडेंटिफाई कर ली बट टू यूज दैट कैपेबिलिटी इन ए प्रोडक्टिव वे दैट ह्यूमन फैक्टर दैट पर्सन नीड सार्ट ऑफ ट्रेनिंग और गाइडेंस तो ये फैक्टर भी आपको इसमें ध्यान में रखना है और इसको हम ये कहते हैं कि फर्स्ट आइडेंटिफाई फर्स्ट प्लान द पीपल देन गेट द पीपल एंड थर्डली द मेक आल दैट ह्यूमन फैक्टर यूनिट इन टू अ प्रोडक्टिव तो ये है डिवेलमेंट प्रोजेक्ट टीम्स और लास्टली इन तमाम ह्यूमन फैक्टर्स को आपने फिर मैनेज करना है ये अब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप टीम लीडर्स को मैनेज करते हैं टीम लीडर्स अपने रिलेटेड uh, स्टाफ को जो है मैनेज करते हैं बट ओवरऑल एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू मेक श्योर द राइट पीपल आर डूइंग द राइट जॉब एंड दे आर बींग Organized and they are being motivated and they are being put into use as per the project or activity requirement. We communication is very important. We कि human factor. There could be a possibility that dozens of people or hundreds of people have been taken on board to complete a project. अब इतने लोगों के साथ और डिफरेंट लेवल्स पे ह्यूमन फैक्टर्स एट डिफरेंट लेवल टीम लीडर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजिस्ट सपोर्ट परसन्स लॉजिस्टिकल सपोर्ट परसन इन तमाम के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए देर शुड नाट बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम लीडर बिटवीन टीम लीडर एंड द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड ऑल अदर स्टाफ विच इज़ इंडक्टेड ऑन दैट कम्युनिकेशन पे हमने पहले जिक्र किया था एंड लेट्स टॉक अबाउट नाउ कि व्हाट आर द मेथड्स टू बी यूज्ड टू कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शन टू गेट द फीडबैक टू गेट द रिपोर्ट्स एंड टू अपडेट द थिंग्स अकॉर्डिंगली तो पहला स्टेप तो उसमें वही आ जाता है कम्युनिकेशन प्लान करें आर यू गोइंग टू यूज टेलीफोन फैक आर यू अदर प्रजेंटेशन मैथड्स अराउंड Yeah, in the modern day times video conferencing facilities do you plan to get the feedback both way in giving directions or getting the reports and progress using the technology that means communication tools needs to be assessed first You plan which tools you are going to use in communication and then comes the information distribution jab team the bigger the team then you Require information distribution system of much improved systems off Instruction quick guidance pass on to make sure the guidance or instructions have reached to the person timely and Then comes the reporting Whatever is being produced either in the halfway or at the initial stage or at the final stage project progress reporting should be updated in a professional way ये आप उस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में इसको मैनेज करेंगे एंड लास्टली ये प्रोजेक्ट जब ये डिज़ाइन किया जा रहा है इसके स्टेक होल्डर जो हैं उनके बारे में भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान करना होगा कि ऑल द स्टेक होल्डर मस्ट बी फुली इंफॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस अबाउट द चेंजेस अबाउट द बेनिफिट्स और एनी ट्रेड ऑफ यू आर गोइंग टू प्लान इन तमाम चीज़ों को प्रॉपरली कम्युनिकेट करें उन्हें ये कम्युनिकेशन मेकानिज़म ये बहुत important hai. the stakeholder should be known in such an understandable way that there is no ambiguity about the information being passed on query being passed on response being given to these people around and their feedback should be properly accommodated accordingly then comes the risk management risk management may have to plan karna hai ke aap इस प्रोजेक्ट को जब कंप्लीट करेंगे तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर विच आर द ग्रे एरियाज सो दैट यू हैव अल्टरनेट प्लानिंग फॉर दैट आइडेंटिफाई करें कि रिस्क की मैग्नीट्यूड क्या है रिस्क की टाइप क्या है एंड देन क्वांटिटेटिवली इसके इफेक्ट्स क्या हैं मनी वाइज एंड अदरवाइज और ऑफ कोर्स इसका जो रिस्पॉन्स है रिस्क के लिए अब आपको एक प्लान भी करना है कि इफ यू कम अक्रॉस विद द रिस्क सिचुएशन हाउ यू आर गोइंग टू मिटिगेट दैट थिंग्स अराउंड तो ये है रिस्क रिस्पांस प्लान जो आपको डिस्कस करना है और आखिर में रिस्क को भी आपने मैनेज और मॉनिटर करना है जिस तरह आप दूसरी एक्टिविटी देखते हैं इस सेशन में हम ब्रीफली तमाम चीजों को कंसेपचुअली डिस्कस कर रहे हैं आपको इस सेशन के साथ ही हैंड आउट भी मिले हुए हैं रेफरेंसेस बुक मेटीरियल्स प्रिंटेड मेटीरियल्स और कुछ वेबसाइट एड्रेसेस के रेफरेंसेज आपके स्लाइड पर नजर आ रहे होंगे आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू गो थ्रू विद दिस बट बिफोर वी कंक्लूड दिस एक लास्ट जो था इसका पॉइंट नॉलेज एरियाज का दैट वाज़ द प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट इन तमाम चीजों को जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट नीड द रिसोर्स तो परचेजिंग कैसे होगी उनकी एक्विजिशन कैसे होगी जो चीजें आएंगी उनके इंस्टॉलेशन जो लोग आएंगे उनकी ओरियंटेशन ट्रेनिंग कैसे होगी एंड द ऑफिस स्पेस एंड अदर इनपुटेटरी रिक्वायर्ड इन तमाम चीज़ों को आपने सबसे पहले ध्यान रखना है और इनको टाइमली जो अवेलेबल करना होगा तो ये जो चीज़ें हैं प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड सम टाइम दीज थिंग डन बाई एन अदर डिपार्टमेंट और आपको तमाम चीज़ें जो है ना अवेलेबल कर दी जाती हैं इफ दिस इज द केस इफ इज दिसट्रल प्रोक्योरमेंट सिस्टम इन इन योर ऑर्गेनाइजेशन फिर शायद आपको इसके बारे में इतना वरी करने की जरूरत नहीं लेकिन आपको फॉलोअप करना उतना ही जरूरी होगा और आपको ये इंश्योर करना ऑल द्यूमन फैक्ट ऑल द पीपल मैन पावर इक्विपमेंट एंड अदर आइटम्स आर बींग प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन तो इन चीजों को आपने मॉनिटर करना है कंट्रोल करना है और इंश्योर कराना है कि टाइमली अवेलेबिलिटी इन चीज़ों के दिन अवेलेबल हो और अगर आपको खुद प्रोक्योर करना है तो दैन इट्सर अडिशनल टास्क यू हैव टू मेक श्योर दट है गुड टीम टू मेक आल दीज थिंग्स रेडिल अवेलेबल इन टाइम तो ये वो नॉलेज एरिया थे जो अब हमने इनको एक ब्रीफ डिस्कशन इनके बारे में की है डिटेल डिस्कशंस एंड द कंसेपचलाइजेशन मटेरियल इज अवेलेबल थोड़ी देर पहले अब आप, आपसे पहले भी ज़िक्र किया था कि स्क्रीन पे आपने डिस्प्ले स्लाइड में देखा होगा कि वो रेफरेंसेज है नाम नाम हैं आप इनको देखें वेबसाइट पर जाकर उनको साइट को जो ना विज़िट करें जो रीडि, रीडिंग मटीरियल है रीड इट आउट सो देट यू हैव अ गुड ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसके साथ ही आज के सेशन को अब हम कंक्लूड करते हैं मेनली आज हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज के बारे में डिस्कस किया हमने नाइन फैक्टर को उनके डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन जो है ना वो दी हैंड आउट्स में इनकी डिटेल मौजूद है आप इन नाइन एरियाज़ के बारे में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू should बी फुली अवेयर ऑफ द कंसेप्ट their importance and एंड significance while implementing any project next प्रोजेक्ट नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे और नॉलेज एरियाज के जो रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंटीग्रेशन के अलावा स्कोप टाइम कास्ट क्वालिटी इनकी फर्दर डिटेल्स जो है हम नेक्स्ट सेशन में इसको कम्प्लीट करेंगे और उसके साथ ही फिर हम जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसको हम जिसमें डेफिनेशन और कंसेप्ट हैं वो उसको हम कंप्लीट करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो so, उस वक्त तक के लिए आई आई एक्सपेक्ट दैट बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक आई वांट यू टू हैव अ थारो रीडिंग एंड आई वांट आई इनक्रेज टू विजिट द साइट्स विच द स्लाइड सो दैट वैन इन फ्यूचर वी डिस्कस सम ऑफ द कंसेप्ट there's no need for the, the explanation of that. so, afkopal understanding, okay, what we are talking about. so, in for next session, we will be conducting and carrying out the project management knowledge area definition. and uh, until then, it's for the office.